इसको चिवड़ा, इसका ना गले में चिवड़ा फंस गया, जंप करना पड़ेगा। डाली तोड़ दिया यार मैंने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पोहे का कुछ बनाने जा रहे हैं। सो मैंने दुकान से पोहा तो लेके आ गया, मुझे भी नहीं पता वो क्या बनाने वाले हैं। हम लोग का लैंग्वेज में उसको चिवड़ा बोलते हैं। अभी मुझे करी लिप्स तोड़ने जाना है। सो अभी दीदी कुछ बनाएगी, उसका बोल रही है। चलते हैं करी लिप्स तोड़ते, अपना गार्डन यहीं पे। सो वो रहा काफ़ी ऊपर है यार, को कैसे तोड़ूँ इसको मैं। देखो यही है वो करी लिप्स का पेड़ है ये, इसको कैसे तोड़ूँ यार मैं, काफ़ी ऊपर है। ज़्यादा नहीं चाहिए, दो तीन, इतने से काम चल जाएगा क्या? और तोड़ना पड़ेगा, रुक जाओ, चढ़ने जंप करना पड़ेगा। डाली तोड़ दिया यार मैंने तो, छोड़ो टूट गया, कोई नहीं, ना ज़्यादा टूट दिया मेरे को गाली पड़ेगी यार। कोई नहीं, बकरी खा लेगा इसको, बकरी लोग खाते हैं ना इसको, बकरी को दे देंगे, वेस्ट नहीं होगा, गलती से टूटा यार। सो अभी मैं इसको ले जाता हूँ, धुलाई करना पड़ेगा इसको, देखना मुझे डांट पड़ेगी। करी लीव्स, इतना ज्यादा तो तोड़ना नहीं चाहिए था, फिर भी डांट नहीं पड़ी इस बार, बच गया क्योंकि कैमरा ऑन था ना। मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसके लिए, बच गया, नहीं तो पक्का डांट पड़ती मुझे। नहीं चाहिए इतना, देखो घर में पेड़ उगा ऐसा लग रहा है। गलती से टूटा है, गलती से। चलो इसको बनाओ, धोना पड़ेगा इसको पहले। सो धो देता हूँ मैं, दो इसको धो देता हूँ मैं, दो जी। बोल रही थी इतना बड़ा लाने का क्या जरूरत था, तो मैंने थोड़ी जानबूझ के तोड़ा है। सो इसको धो देते हैं, सब डालेंगे उसमें, वो क्या बोलते हैं उसको, आपका लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है, चिवड़ा, चिवड़ा जो क्या बोलते हैं, कैसा होता है चिवड़ा, ये चिवड़ा पोहा बोलते होंगे शायद, आप लोग का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे बताना। ये लेके आएंगे फ्राई करके, तेल ज्यादा हो गया लग रहा है इसको, चिवड़ा इसका ना गले में चिवड़ा फंस गया। क्रश करो इसको, चाय भी रेडी है, मस्त स्नैक्स हो गया। मुझे पता नहीं ये क्या बोलते हैं इसको, ये ट्रेन स्टेशन वगैरह में मिलता है ना। हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है, वाह। सो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है, और मुझे अभी जिम जाना है। अगर मैं अभी जल्दी नहीं गया तो मतलब जाने नहीं मिलेगा मुझे, मम्मी अलाउ नहीं करते ज्यादा रात को जाने के लिए, थोड़ा घबराती है इसलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो आज मैं लेग्स ट्रेन करने वाला हूँ क्योंकि मेरा लेग्स काफ़ी वीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से लेग्स को काफ़ी नेगलेक्ट किया है, बट इस बार अपना जो वीकनेस है उस पर काम करेंगे, फोकस लेग्स पे दूंगा। मेरा लेग्स बहुत ही वीक है, आप लोग को देखने से मालूम चल जाएगा। अभी रेडी हो चुका हूँ तो चलते हैं, अभी पहले फटाफट से चलते। तो अभी मैं जिम पहुँच चुका हूँ, अब वार्म अप करके पहला स्क्वाट लगाएंगे, हैक स्क्वाट। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league.
body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody like me. You the city, how would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. वर्कआउट कर रहा था लेकिन मुझे थोड़ा अभी हेडेक हो गया अचानक से, तो इसके लिए मैं अभी वर्कआउट यहाँ के एंड कर रहा हूँ. सो चलते अभी घर. सीढ़ी भी उतरा नहीं जा रहा है. सॉरी, बाइक कहाँ पे? ले रही अपनी बाइक. सो अब मैं चलता हूँ घर, तो आपसे घर में मिलता हूँ. सो अभी मैं फ़िलहाल घर आ चुका हूँ. सो मुझे थोड़ा हेडेक जैसा फील हो रहा था, मतलब वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत हेडेक हो रहा था इसके लिए, शायद ठंड की वजह से, पता नहीं कैसे. सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा. सो मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ. आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. और मैं फुल वर्कआउट नहीं कर पाया, 2-3 एक्सरसाइज ही किया मैंने. सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय. Stay safe, stay healthy.